है आपका स्वागत है। एनडीए के मैथ सीरीज में आज का जो क्वेश्चन है ये ढांसू क्वेश्चन है। ये लंबा लगेगा लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट है, इसके कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप ये वीडियो देख लो, इसका आंसर निकाल लो, इंपॉर्टेंट ये है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है उसको पकड़ो। हर क्वेश्चन में मैथ में तो यही है कि हर क्वेश्चन का आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना पड़ेगा। तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने चल रहा हूँ। 2x²-2 × k-2x-k+1=0। इसमें आपको k की वैल्यू बनाना बताना है जिससे कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स मिनिमम हो, जो इसके रूट हैं उनके स्क्वायर, रूट का स्क्वायर की जो वैल्यू है वो मिनिमम होनी चाहिए। मतलब मान लो इसका वैल्यू, मतलब इसका मान लीजिए जो मूल है, रूट है माना, और जो रूट हैं रूट्स हैं वो अल्फा एंड बीटा हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसकी वैल्यू इनको मिनिमम चाहिए। तो सिंपल तरीका है, ये आपको हम बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मूलों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब सम ऑफ रूट। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो -b क्या है, -b हो जाएगा -(-2)(k-2), ये हो जाएगा -b/a। ये क्या है, 2 है, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल और माइनस माइनस प्लस होगा, बराबर ये आ जाएगा k-2, यही आ जाएगा। उसके बाद में आपको निकालना है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो ये c क्या है, -k+1 c/a, ये हो जाएगा। तो ये दो वैल्यू आ गई हैं। अब आपको क्या करना है, आपको बस फार्मूला लगा देना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा α² + β² + 2α ×β। और इसी की वैल्यू आपको मिनिमम करनी है, तो इसको एक डब्बे में पैक कर लीजिए और इसको इस साइड भेज दीजिए। तो ये हो जाएगा α² β² - 2α β। और ये डब्बा वाला चीज़ यहीं पे रहने दीजिए, क्योंकि इसी का वैल्यू आपको मिनिमम करना है, α² + β². अब देखिए α + β क्या है, k-2² - 2α × β क्या है, -k+1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बराबर ये, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ये हो जाएगा k-2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया k+1, बराबर यही है α² + β² है। अब क्या करना है, इसकी वैल्यू मिनिमम करनी है, तो इसको एक फंक्शन आप ट्रीट कर सकते हो, f के लिख सकते हो, α² + β² को f के लिख सकते हो। सिंपल कुछ भी मान लीजिए, किसी भी फंक्शन की वैल्यू मिनिमाइज करने के लिए, वैसे बहुत तरीके हैं, इसको स्क्वायर करके भी मैं आपको मिनिमाइज करके दिखा सकता हूँ, बट जो सबसे इजीएस्ट तरीका है मैं आपको डिफरेंशिएशन के थ्रू बता रहा हूँ कि किसी भी चीज़ की वैल्यू मिनिमम करनी हो तो उसको डिफरेंशिएशन के थ्रू कर सकते हैं। तो सिंपल तरीका है भाई, इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो हो जाएगा 2 × k-2 + k। के का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, मैंने ये k किया है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू k किया हूँ, x के साथ डिफरेंशिएशन नहीं किया हूँ, k के साथ किया हूँ, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ये f डेस k। आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा, किसी की चीज़, मतलब किसी भी चीज़ की वैल्यू जब मिनिमम करनी होती है तो डिफरेंशिएशन करने के बाद इसको 0 पुट कर देते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा 0। ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2 × k-2 + 1=0। फिर यहाँ से 2 × k-2 = -1। उसके बाद में हो जाएगा k-2 = -1/2। देखिए मैंने आपको k-2 = -1/2 ये तो निकाल दिया। अब यहाँ से भैया k निकालना बच्चों खेल है, k बराबर हो जाएगा 2 - 1/2। इसकी जो वैल्यू आएगी k बराबर 2 × 2 = 4 और 4 में से बच्चा यग्गा तो 3 आवा, 3/2, के बराबर 3/2 हो जाएगा। आपको k की वैल्यू मिल गई, मतलब इसी वैल्यू पे जो है फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। देखिए अब α² + β² जो आपने निकाला था उसको आपको यहाँ लिखना है, यही आया था, आपको पता है, आप वीडियो पीछे करके आप देख सकते हैं, यही आया था α² + β² = k-2 का होल स्क्वायर प्लस k+1। अब k की जो वैल्यू है 3/2, यहीं पे इसका जो है मान मिनिमम आएगा, न्यूनतम आएगा। तो आप सिंपल है, अब इस k की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, इसका मिनिमम मान निकाल लीजिए, हो जाएगा 3/2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 + 1। यहाँ पे हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब -1/2 का होल स्क्वायर,
माइनस का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा है, बाद में पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद में 3/2 + 1, तो ये 3/2 इसको आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5/2। अरे इतना सिंपल चीज़ है यार, ये आप जोड़ सकते हो, ये हो जाएगा 1/4 प्लस इसको भी आप नीचे 4 कर लीजिए। नीचे 4 करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो ऊपर 2 से, तो हो जाएगा 10/4, ये हो जाएगा 11/4, यही आ जाएगा आंसर। देखिए दोस्तों, दो टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 में। पूछा गया था के का मान निकालना, और एक बार क्वेश्चन मेरे को याद है पूछा गया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब मूलों के स्क्वायर का जो योग है, मूलों के स्क्वायर का जो सम है, इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए। तो मैंने दोनों यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ। सिंपल क्वेश्चन तो के था, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया था, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट कि मिनिमम वैल्यू कितनी आई, वो भी मैंने आपको यहाँ पे निकाल के बता दिया कि 11/4 आएगी। आंसर यहीं पे आपका समाप्त हो गया है, लेकिन मैंने यहाँ तक आपको लगाया हूँ, आपको बताया हूँ, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का डाउट रहा होगा कि ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। मैंने अपनी तरफ से समझाने का पूरा प्रयास किया हूँ, आप भी समझने का पूरा प्रयास करना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट में अपनी राय जरूर देना कि वीडियो कैसा रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सैनिक ऑफ जय हिंद, वंदे मातरम। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।